नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nothing Phone 2 ए 5G वर्सेस Samsung Galaxy M14 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 2A5G में 6.37 इंच जबकि M14 4G में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 2A5G में 3 इंच जबकि M14 4G में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 2A5G में 0.34 इंच जबकि M14 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 2A5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 2A5G में 190 ग्राम जबकि M14 4G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 2A5G में फ्लेक्सिबल AMOLED जबकि M14 4G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 2A5G में 1084x2412px FHD+ और M14 4G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 2A5G में 87.8% जबकि M14 4G में 82.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 2A5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M14 4G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 2A5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और M14 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 2A5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M14 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 2A5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M14 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 2A5G में माली G610MC4 जबकि M14 4G में एड्रीनो 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 2A5G में MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 और M14 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो 2A5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि M14 4G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 2A5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M14 4G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 2A5G में नहीं है, जबकि M14 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 2A5G में Android V14 जबकि M14 4G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 2A5G में 3
कलर्स, जबकि M14 4G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 2A 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें M14 4G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीज, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,930 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो नथिंग फोन 2A 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 2A 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 2A 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा रियलमी 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।